हेलो, गुड मॉर्निंग आफ्ताब, रयान, सिद्धार्थ एंड अदर्स. यस्टरडे वी हैव सीन द चैप्टर नंबर 8, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर्स देखा था, बट वी विल अगेन डू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये चैप्टर हम लोग फिर से देखेंगे आज. आपको कल के लेक्चर के हिसाब से कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछिए. ठीक है, आई विल आंसर और क्लियर ऑल योर डाउट्स. जैसे कि हमें पता है कि हमें रोजमर्रा काम करना पड़ता है, या हमारे रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, अंकल्स, आंटी, सब लोग काम करते हैं. सब लोग काम क्यों करते हैं? कि क्योंकि हमें कुछ ना कुछ जीने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है. टू अर्न सम वेजेस, सैलरीज एंड गेट सम प्रॉफिट. तो हमारे अपने खुद की लिविंग के लिए हमें कुछ पैसा बनाना जरूरी है. तो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं. जैसे कि एक होता है ना कि कंपनी होती है, छोटी हो या बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, तो उन एम्प्लॉयज में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें एक फिक्स सैलरी मिलती है. तो फिक्स सैलरी से क्या फायदा होता है कि एक गारंटी होता है कि फिक्स सैलरी मिल जाएगी. दूसरा होता है कि एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि हाँ, मुझे एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला. फिर बहुत सारी कंपनीज होती है जो आपको कुछ पर्क्स देती है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, फिर आपको PF फैसिलिटी दे दी. तो बड़ी बड़ी कंपनी कुछ फैसिलिटीज है जो देती है. ठीक है, तो और भी शायद ट्रैवलिंग का भी एक्सपेंस देती है बहुत सारी कंपनी. पिक एंड ड्रॉप देती है, MNCs कंपनी है तो ठीक है. तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सैलरी फिक्स होता है, और उसके फीचर्स जो भी एडेड पर्क्स होंगे वो भी फिक्स होते हैं. बट बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को कुछ रीजन से, मे बी पर्सनल इश्यूज या पर्सनल रीजन या फिर फैमिली रीजन या कोई रीजन से उनको जॉब नहीं करने मिलता, या उनका इंटरेस्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे खुद का कुछ करना है. इन दैट सिनेरियोज यू मे थिंक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो ये चैप्टर हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग देता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से के क्या फायदे हैं, उसके क्या टाइप्स है, क्या कैटेगरीज है, क्या क्लासिफिकेशंस है, उसके क्या बेनिफिट्स है, और उसके क्या मतलब डिसएडवांटेजेस भी इसमें बताया गया है. तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग नॉट ओनली वी कैन यूज दिस चैप्टर इन आवर सिलेबस एग्जाम्स, बट वी कैन ऑल्सो यूज दिस नॉलेज इन आवर रियल लाइफ. डेली लाइफ में भी हम इसका नॉलेज को यूज कर सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिन पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड है, क्या क्या चीजें हैं जिनके फायदे हैं, क्या क्या चीजें इनके नुकसान आते हैं. ओके, आमरीन मैम फिर से कंटिन्यू करेगी ये चैप्टर. ठीक है, एंड शी विल गेट यू, आपको ओवरव्यू देगी पूरा जो कल थोड़ा सा हुआ था. वो बहुत ही छोटा और प्यारा सा चैप्टर से, एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी है. एज वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन प्रोप्राइटरशिप वगैरह जो हमने देखा था, उसी से सिमिलर है. तो उस हिसाब से बहुत ही आसान चैप्टर. सिद्धार्थ इज कनेक्टेड, रायान है, आफ्ताब है, दे आर ऑल कनेक्टेड. यू कैन यूज, ऑलरेडी हाईलाइटेड है पूरा चैप्टर. मैं ये बच्चों को ना हैंडराइटिंग दे के आता हूँ. मैंने 1.7 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज. इसके बाद ये करना है, बोल के आता हूँ. यस, ये करना है, ये करना, बात कम करना. गुड मॉर्निंग एवरीवन. I will give an overview of this self-employment chapter, what we had learned yesterday. See, having learned about the nature business, you know the nature of business and economic activities which are very essential for earning the livelihood. That means life jeene ke liye you want something, money to so for business. By doing business, we are earning profit, but sometimes with hard situations, something we cannot do
वी कैन नॉट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट, कुछ जॉब्स नहीं मिल पाते पढ़ने के बाद, कुछ ऐसी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता. सो इंस्टेड ऑफ सीकिंग जॉब वी आर डूइंग आर ओन बिजनेस. तो दैट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स यू आर रनिंग स्मॉल शॉप, टेलरिंग शॉप, रेस्टोरेंट, बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज, ब्यूटी सैलून, मतलब जो इंडिविजुअल्स जो कैपेबिलिटी है जिसमें हम एक्सपर्ट है वही सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसी सर्विसेज में जब एंगेज करते हैं या ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. सो दैट वी लर्न. नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वी विल रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इम्पॉर्टेंस, एवेन्यूज, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के क्या फायदे होते हैं और किन टाइप के अलग अलग टाइप के स्मॉल बिजनेसेस है, इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है इंडिया में स्मॉल बिजनेस का, वो सब हमने देखा था. फिर उस स्मॉल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रमोशन या पॉलिसीज प्रोवाइड किया है वो बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, और बहुत से इंस्टीट्यूशन भी आगे आती है सपोर्ट करने के लिए. 8.1 मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हमने पढ़ा था? मैनी पीपल हु एंगेज देमसेल्फ इन वन ऑक्यूपेशन और सम बिजनेस, कोई ऐसे ऑक्यूपेशन या तो कोई ऐसे बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं जिससे जिनको वो खुद मैनेज करते हैं, वो अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं, रिस्क झेलते हैं, तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. All of us have seen small grocery shops. These are the examples. Tailoring shop in our locality. The manage कौन करता है? Same person, own भी वही होता है, owner भी वही है. और उनको कभी कभी help के लिए some assistance they need. So such type of economic activities are termed as self-employment. Then what were the characteristics of self-employment? See. First is, it involves doing something on one's own to earn livelihood. Then, self-employment provide employment to us also, as we are self-employed, and other persons also. Third point, earning from self-employment is not fixed. It is not fixed as all business, sole proprietorship ka bhi waise hi tha. Fixed to income hoti nahi, kuch loss hota hai, ya to kabhi kuch income nahi aati hai. Then next, in self-employment, the owner alone has to take the profit and bear the risk. Owner alone ही profit लेता है और bear भी risk को खुद ही करता है. And also there is direct link between the effort and reward. If your efforts are more, then rewards will be more. Effort ज़्यादा डालोगे, motivated रहोगे अपने business में, तो तुमको profit भी मिलेगा, उसके फायदे भी है. Then next point is, it requires some amount of capital investment. उसमें सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी बिजनेस पैसा तो लगेगा ही. पैसा जो इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, दैट इज द कैपिटल. सो द कैपिटल फॉर दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो स्मॉल. नेक्स्ट पॉइंट, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन इज फ्री टू टेक डिसीजन. ही कैन टेक हिज डिसीजन एज ही इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस. ओन और मैनेज भी वही करता है, तो वो अपने डिसीजन जल्दी से ले सकता है. देन इट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू वर्क एज पर वंस ओन विल. वो अपनी मर्जी से सब कंट्रोल करता है और लॉज भी उसके ही रहते, उसकी मर्जी चलती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. थस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मे बी डिफाइंड एज, यू शुड लर्न दिस डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच वन में परफॉर्म ऑन हिज ओन, जो वो खुद से करता है एज ए गेनफुल ऑक्यूपेशन, ऐसा कुछ पाने वाला ऑक्यूपेशन, चाहे वो खुद उसमें माहिर हो या तो फिर वो मैनेज करता हो खुद प्रोड्यूस करने, या प्रोड्यूस तैयार गुड्स वो सेल करता हो, ट्रेड करता हो उसमें. हेलो, तो यस, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम. ओके,
अभी हो रही है? कैन सी नाउ? नहीं हो रही मैम अभी भी। हाँ नहीं हो रही है, एक सेकंड। इज इट विजिबल नहीं हो रही मैम अभी भी। हाँ नाउ? एक सेकेंड सर, एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। वो बोल रहे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ ये वाला बटन शेयर कर यस मैम हो रही है अभी। हो रही है ना? इज इट विजिबल नाउ? यस सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन था, इट इज डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वन मे परफॉर्म ऑन हिज ओन एज ए गेनफुल ऑक्यूपेशन। ऐसा ऑक्यूपेशन जिससे हमको कुछ मिलता हो, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम दैट वी आर अर्निंग समथिंग। दिस कैन बी बाय प्रोड्यूसिंग, हम प्रोड्यूस करते हैं खुद, एंड सेलिंग गुड्स, ओके, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज फॉर ए प्राइस। हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, या तो फिनिश प्रोडक्ट बाय करते हैं और सेल करते हैं, या तो फिर कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हैं फॉर ए प्राइस। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ना इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखो क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ए कैरियर, उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इट इज ऑल्सो ए कैरियर, वन कैन डू दैट। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज। एडुकेट जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब है तो उसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू दिस वन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस टू अर्न लाइवलीहुड। सो द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेस। क्या होता है स्मॉल बिजनेस? होता है हम छोटे तौर पे स्टार्ट करते हैं, उसमें छोटा सब रहता है, लार्ज स्केल पे कोई नहीं होता है। जैसे एडवांटेजेस हम बहुत ले सकते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के। उसमें पहली बात तो मनी, जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है, वो कम होता है। उससे क्या होता है, लॉस भी हो गया तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम झेल सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं। तो बहुत ही बड़े स्केल पे बिजनेस करने से अच्छा है, पहले एक ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है, दूसरा सब्स्टिट्यूट अच्छा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल हम इन्वेस्ट करें और स्मॉल बिजनेस करें, ताकि एनवायरमेंट को भी उससे नुकसान ना हो, कोई वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट ना करे, जैसे वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं, सैलरी कम देते हैं, ये सब नहीं होगा स्मॉल बिजनेस में। ये उसका एक एडवांटेज है। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, प्रेफरेंस ओवर वेज एम्प्लॉयमेंट।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो हमारी अर्निंग्स की कोई लिमिट नहीं है, हम जितना पैसा चाहो उतना मोटिवेटेड रहोगे तो कमा सकते हो। ओके, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वन कैन यूज वंस टैलेंट फॉर ओन बेनिफिट। हमारा टैलेंट है, अभी कहीं और काम करते हो तो उसकी कंपनी बढ़ती है, तुम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो तुमको सैलरी मिलती है, लेकिन खुद का बिजनेस है, हम अपना टैलेंट अपने बिजनेस में लगा रहे हो तो हमको वो बेनिफिट मिलेगा, हमारी अर्निंग बढ़ेगी। क्या पता तुम बहुत क्रिएटिव हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी वहां नहीं नजर आ रही है, नहीं कुछ कर पा रहे हो, लेकिन ऐसे करने से तुम्हारा क्रिएटिविटी सामने आ रहा है तो वो तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट देगा, बेनिफिट करेगा, और तुम डिसीजन भी जल्दी ले सकते हो कन्वीनियंटली, और उस पे प्रॉम्प्ट एक्शन भी ले सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर द एंटरप्रेन्योर ऑफ दैट बिजनेस। थर्ड इज डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम आई सेड दैट येस्टरडे ऑल्सो, सी बिजनेस है, रिस्क तो रहेगा, तो क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसे क्रिएटिव और न्यू आइडियाज हम बिजनेस में लगाते हैं, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल बच जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। तो उसमें क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन रहता है जब वो इनोवेटिव टेक्निक्स, नए नए आइडियाज इन्वॉल्व करता है बिजनेस में तो उसका बिजनेस एक्सपांड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। और जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो एंटरप्रेन्योर बना है तो उसकी जो लॉन्चिंग पैड है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलाइज सर्विसेज। जैसे इंडिविजुअलाइज सर्विसेज टेलर देते हैं, रिपेयर वाले देते हैं, कुछ ब्यूटी सैलून्स रहते हैं, उन वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे बोलते हैं इंडिविजुअलाइज सर्विस, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, एज आई सेड खुद का बिजनेस है, खुद अपनी मर्जी से कोई भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो, न्यू टेक्निक्स इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये क्रिएटिविटी ज्यादा कहाँ स्किल्स दिखकर आती है, आर्ट और क्राफ्ट में। तो इससे क्या होता है हमारा इंडियन इंडियन कल्चर है वो भी प्रिजर्व होता है, हमारा आर्ट हमारा कल्चर आगे बढ़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एडवांटेज क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हो तो कहीं एम्प्लॉयमेंट जाने की जरूरत नहीं, कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं, खुद ही एम्प्लॉयड है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का सीवियर जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हमने खुद को एम्प्लॉय किया है। ए बून टू अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज है, पैसा नहीं है बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास आगे की हायर एजुकेशन लेने के लिए उसके पास, लेकिन नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल है, उसके पास क्रिएटिविटी है, उसका इंटरेस्ट है, वो केपेबल है, तो वो अपना कैरियर खुद बना सकता है, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकता है, उसके लिए हायर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है। तो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एवेन्यूज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिफोर चूजिंग अ सुटेबल करियर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द एवेन्यूज इन विच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। तुमको पता रहना चाहिए करियर स्टार्ट करने से पहले, पता रहना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने एवेन्यूज है कि हम वो सेक्टर में अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। दैट आर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअलाइज सर्विसेज। तो ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करना, जिसमें बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लगता है, जैसे कि स्टेशनरी शॉप, ब्यूटी सैलून, स्मॉल ग्रोसरी शॉप। और ज्यादा हमको रिस्क ले सकते हो तो होलसेल में बहुत ज्यादा तुम रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स उठा सकते हो और उसको रिटेल में बेच सकते हो, तो इसमें भी यू अर्न प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरिंग, वन कैन स्टार्ट ए स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स और प्रोड्यूसिंग बेकरी आइटम्स। ये हम खुद स्क्रैच से ये चीजें बना रहे हैं, जो ब्रेड बनता है बेकरी में वो पहले आटा वो सब यूज करके वो स्क्रैच से, वी आर द मैन्युफैक्चरर, तो हम वो स्क्रैच से बनाते हैं। फार्मिंग भी ऐसी ऑक्यूपेशन है, फूड ग्रेन्स हम उगाते हैं फार्मिंग करके, जो एग्रीकल्चर रहता है उसमें एक जो पर्सन रहता है, उसके अलावा कभी कभी और भी लोगों की जरूरत पड़ती है। ये ऑर्चर्ड्स का है, मतलब गार्डन जो है ब्यूटी का, डेयरी का है जो बिजनेस है मैन्युफैक्चर का, डेयरी में क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक एनिमल पालना पड़ता है, पोल्ट्री में चिकन ये सब
उसको रखना पड़ता है सेरिकल्चर में। ये सेरिकल्चर मतलब सिल्क वर्म जो रहता है ना उसको फार्मिंग करते हैं। फिशरीज में फिश का तो छोटा सा आर्टिफिशियल तालाब वे करते हैं, उसमें कभी कभी उसमें फिशिंग करते हैं, या तो कहीं जो बिजनेस है जैसे जाके करते हैं सब अपने फिशरमैन वैसा। ये सब एग्जाम्पल्स है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। नाउ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, जर्नलिस्ट, ये सब ये कैटेगरी में आते हैं प्रोफेशनल्स। इंडिविजुअलाइज सर्विसेज जैसे कि हेयर कटिंग सैलून, मोटर रिपेयरिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब क्या है, इंडिविजुअलाइज सर्विसेज जो खुद कस्टमर को वो डायरेक्टली देते हैं। दिस ऑल आर द एवेन्यूज ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वॉज द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या है, छोटा रहता है साइज में, पैसा कम लगता है, ज्यादा वर्कर्स नहीं लगता है एम्प्लॉय करने के लिए, और उसका आउटपुट भी लो होता है। ऐसा नहीं कि पैसा कम ले रहे तो तुमको आउटपुट भी ज्यादा चाहिए, जितना पैसा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत लो ही आउटपुट रहेगा। तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। वी मे डिफाइन अ स्मॉल बिजनेस एज अ बिजनेस विच इज एक्टिवली मैनेज बाय इट्स ओनर। स्मॉल बिजनेस कौन मैनेज करता है, उसका ओनर। ऑपरेटिंग विद इन द लोकल एरिया एंड रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, वो अपने आसपास लोकल एरिया में ही करेगा और उसका साइज स्मॉल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या अच्छा है सब उसमें, कि पहले तो ओन्ड और मैनेज बाय वन पर्सन, उसको ज्यादा लोग नहीं लगते, एक ही पर्सन लगता है। इट विल बी इजियर इफ यू रिमेम्बर द सोल प्रोप्राइटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक और इसकी थोड़ी सिमिलर है, तो उसको भी ध्यान में रख के करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इजीली तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, द ओनर दैट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज। ओनर्स ही यहाँ पर बिजनेस की डेली एक्टिविटीज में वो लोग पार्टिसिपेशन रहेगा, वही देखते हैं अपना बिजनेस, मैनेज भी वही करते हैं, जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए स्मॉल बिजनेस इज लिमिटेड, वो ज्यादा बड़ा नहीं है तो लोकल पीपल के लिए ही वो नीड उसकी फुलफिल करता है। स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर जनरली लेबर इंटेंसिव एंड थस रिक्वायर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको पैसा भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है, ऐसा नहीं बहुत लेबर लगता है, छोटा बिजनेस है, कम ही सब लगेगा और आउटपुट भी लो होगा। देन सिक्स पॉइंट, इट जनरली यूजेस लोकल रिसोर्सेज फॉर इट्स ऑपरेशन। अब ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, वो बाहर कहीं दूर जाके अगर कुछ चीजें खरीदता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उसको उसका प्रोडक्शन ज्यादा पैसा लगेगा और उतना उसको पैसा आएगा नहीं जितना जाएगा। तो दैट मीन्स तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि अपने आस पास लोकल रिसोर्सेज से ही वो ऑपरेट करे। देन एट पॉइंट, इट कैन इजिली चेंज इट्स नेचर एरिया। जैसी कस्टमर की नीड है वो फ्लेक्सीबल होता है, जैसे नीड रहती है वैसा वो अपने आप को चेंज करता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में, जैसा ट्रेंड है, जैसा लोगों को पसंद है, वो इजिली सब चेंज कर सकता है। सो दिस स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस इज फ्लेक्सीबल। टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, बहुत सारे टाइप्स है, तो यहाँ पर तुमको टाइप्स में क्या याद रखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये याद रखना है। देन टाइनी इंडस्ट्री का कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ऊपर जाना नहीं चाहिए। एंसिलरी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग रहता है उसका 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड अबव 1 करोड़। और एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या रहता है, उसका 50% प्रोडक्शन वो अपने अपने पास रखता है, लेस देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन वो अपनी अदर इंडस्ट्री को नहीं सप्लाई कर सकता, वो अपने पास रखता है, वो कुछ भी कर। तो ऐसी इंडस्ट्री को एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोला जाता है, उसका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 1 करोड़। विलेज इंडस्ट्री का डज नॉट एक्सीड अबव 50,000, तो वो क्या कहलाएगी, विलेज इंडस्ट्री, और वो रूरल एरिया में होती, गांव साइड होती है। कॉटेज इंडस्ट्री का वो हैंडीक्राफ्ट जैसे आर्टिशंस रहते हैं वो सब रहता है उसमें, इतना दे यूज सिंपल इक्विपमेंट। अभी एम्ब्रॉयडरी, हाथ की जो हैंड एम्ब्रॉयडरी रहती है उसमें क्या लगेगा,
एक नीडल लगेगी, एक फ्रेम लगेगी, कपड़ा लगेगा, उसमें इतना कोई रॉकेट साइंस ऐसा बहुत मशीनरी ऐसी नहीं लग रही। तो उसमें यहाँ पर मैन पावर रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि इसका कैपिटल इन्वेस्टेड इतना है कॉटेज इंडस्ट्री का, ठीक है। वो लोग होल या पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं, और यहाँ पे उसका कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट वो डिफाइन नहीं की हुई है। माइक्रो छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, तो ऐसे माइक्रो छोटे छोटे बिजनेस के लिए डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्राइजेस, इसका 10 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। दिस यू शुड रिमेम्बर कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड जो फिक्स एसेट में है वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, हर एक उस पर डिपेंड होता है। तो उसको वो जो इंडस्ट्रीज है बोला जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल बिजनेस का? स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अवर कंट्री। उसके बहुत से फायदे हैं, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट होता है स्मॉल स्केल बिजनेस का। उसमें लेस कैपिटल लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहता है। क्यों? क्योंकि लोकल हम रिसोर्सेज यूज करते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी है, कुछ क्रिएटिविटी है, न्यू आइडियाज है, लोकल रिसोर्सेज है, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आर्ट्स और क्राफ्ट है विलेज में, कॉटेज इंडस्ट्री में जो आर्ट क्राफ्ट हैंडलूम, हमारे जो जैसे लखनवी कुर्ता रहता है वो बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, वो इंडिया में ही रहता है, सिर्फ इंडिया में ही वो कारीगर है जो वो बनाते हैं। तो ये कहाँ होता है? विलेज साइड होता है। तो फिर ये सब जो चीजें हैं ये हमारा प्रिजर्व करता है कि ये कल्चर, हाँ ये इंडिया में ही मिलेगा। तो ये सब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लोकल रिसोर्सेस से भी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री इतनी बढ़ सकती है कि वो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंडस्ट्री प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब इतना सब हो रहा है, इतने रूरल एरिया के हमारी चीजें इतना वर्ल्ड क्लास बाहर एक्सपोर्ट हो रही, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट क्यों ना होगा? तो वो प्रमोट करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्री हेल्प इन इम्प्रूविंग द नेशनल इमेज बाय एक्सपोर्टिंग क्वालिटी। एज आई सेड, हमारे जो स्पाइसेस है, जो मसाले होते हैं, वो सब भी बाहर अच्छी क्वालिटी के, ड्राई फ्रूट्स है वो सब भी अच्छी क्वालिटी के बाहर पहले एक्सपोर्ट हो जाते हैं फॉरेन कंट्री में। हमारे हैंडलूम है, इंडियन क्राफ्ट है, एप्लिक वर्क है, वो सब इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड में। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल एंटरप्राइज हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। रूरल एरिया के पीपल को जब इतना पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों ना उसके पास पैसा होगा। पैसा होगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो जैसे वो रहता है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो खुद एम्प्लॉयड है, वो अपनी एंटरप्राइज चलाता है, उसका पूरा प्रॉफिट वो खुद कमा रहा है, तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज करेगा। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ फॉर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का क्या स्कोप है? ट्रेडिंग विच इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स, अगेन इट इज सेड इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल एंड लेस टाइम टू स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्टिविटीज विच रिक्वायर पर्सनलाइज सर्विस लाइक मोटर रिपेयरिंग, टेलरिंग, कार्पेंट्री, ब्यूटी पार्लर आर रन बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल बिजनेस। दिस आर द एग्जाम्पल यू शुड रिमेम्बर, मोटर रिपेयरिंग, टेलरिंग, कार्पेंट्री, ब्यूटी पार्लर, ये सब स्मॉल बिजनेस में आते हैं। नेक्स्ट, इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु डू नॉट लाइक टू बी एन एम्प्लॉय। तुमको कहीं भी किसी के अंडर काम नहीं करना है, किसी के अंडर जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, तो तुम अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, खुद का बिजनेस इंडिपेंडेंटली, अ स्मॉल बिजनेस यू कैन रन। दैट मीन्स यू आर कीपिंग, यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू योर सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफ लेस डिमांड और देयर डिमांड इज लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक एरिया, द स्मॉल स्केल इज मोस्ट सुटेबल फॉर देम। वहां पे डिमांड कम है या लिमिटेड है और वो स्पेसिफिक एरिया में है, तो हमारा काम चल जाता है, जितना हमको चाहिए वहां डिमांड है, पीपल जितना चाहते हैं उतना ही हम बनाएंगे और उतना बेचेंगे। मतलब डिमांड ऐसा नहीं कि जहां पर ज्यादा
लोग नहीं है, डिमांड नहीं दे रहे, तो उधर हम ज्यादा बना रहे, तो हमारा लॉस भी नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस. नेक्स्ट, अ लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट कैनॉट रन स्मूथली विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स. लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट भी डिपेंड है स्मॉल यूनिट्स पे. दिस इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफन डिपेंड अपॉन द स्मॉल यूनिट्स लाइक एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिसका 50% वो अनदर लेस देन 50% वो दूसरी इंडस्ट्री को दे सकता है, बाकी वो अपने पास रख सकता है. दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री. सो एग्जाम्पल्स आर टू गेट सम पार्ट्स ऑफ स्पेयर्स विच कैनॉट बी प्रॉफिटेबली प्रोड्यूस. अगर बड़ी बड़ी मशीनरी बनाती है एक लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, उसके जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स है वो डिपेंड करती है छोटी स्मॉल स्केल पर बनाने. अगर वो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बनाने जाएंगे तो उनको नुकसान है, इसीलिए वो भी डिपेंड है स्मॉल यूनिट्स पर. नेक्स्ट, इन द एरा ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ कॉल सेंटर्स होते हैं ना, मेनी न्यू एरियाज हैव ओपन्ड अप फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज. बहुत से ऐसे छोटे छोटे बीपीओज भी ओपन हुए हैं, तो उसको ऑपरेट करते हैं, वो भी स्मॉल स्केल बिजनेस ही होता है. नेक्स्ट, द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट टच ऑफ द ओनर्स विद कस्टमर एज वेल एज द एम्प्लॉयज कैन ओनली बी सक्सेसफुली रन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस. इसमें क्या होता है, जो ओनर है बिजनेस का उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है अपने कस्टमर्स से भी, अपने एम्प्लॉयज से भी, क्योंकि वही ओनर है बिजनेस का. गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स स्मॉल बिजनेस. अभी गवर्नमेंट क्या करती है स्मॉल बिजनेस के लिए, क्या प्रमोट करती है, उसके लिए क्या पॉलिसीज है, क्या फैसिलिटीज है, दैट वी विल लर्न. सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस टू स्मॉल बिजनेस. गवर्नमेंट भी बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस देती है स्मॉल बिजनेस को, ऐसे नहीं छोटा है तो छोड़ दिए. दे आर प्रोवाइडिंग सम अपॉर्चुनिटीज और सम पॉलिसीज दे हैव डन. See, several kind of assistance and support are announced from time to time, keeping in view the changing economic condition. जैसी economic condition change होती है, कुछ तो assist करते हैं, support करते हैं. See, what are these steps taken by government for the development of small business in India? First, it provides liberalized credit policy like लेस फॉर्मेलिटीज टू प्रोसेस द लोन. लोन प्रोसेस होने के लिए ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं, जल्दी से लोन मिल जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. तो ये क्रेडिट पॉलिसी है, पैसा देने की जो पॉलिसीज है बैंक की वो लिबरलाइज्ड है, कोई फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती है प्रोसेस में. नेक्स्ट, टू कीप अवे फ्रॉम द कॉम्पिटिशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजर्व अबाउट 800 आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री का कॉम्पिटिशन से वो खत्म ना हो जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसलिए 800 आइटम्स गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऑप्शन रखा है कि वो ये प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या डील कर सकते हैं, उसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं 800 आइटम्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर आता है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स कंसेशन एंड एग्जेम्पशन इन एक्साइज एंड सेल टैक्स टू द स्मॉल स्केल यूनिट्स. वो एग्जेम्पशन कितना होता है, 50 लाख टू 1 करोड़ फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए. तो जहां पे ये टैक्सेस बचते हैं तो उनका और प्रॉफिट होता है. द नेक्स्ट पॉइंट सी, द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स प्रेफरेंस टू द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वाइल परचेसिंग स्टेशनरी एंड अदर आइटम्स फॉर इट्स ओन कंजम्पशन एंड यूज. अभी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो डेली में मैनेज करने के लिए लगती है चीजें, वो भी उनको कंसेशन मिल जाता है फॉर देयर ओन कंजम्पशन एंड यूज. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो गिवन प्रेफरेंस फॉर दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट, फॉर प्रमोशन. अभी प्रमोट करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, बताना है उसको, एडवर्टाइज करना है, कैसे आगे बढ़ेगा फाइनेंशियली एंड ऑल्सो डेवलपमेंट. सेवरल इंस्टीट्यूट दे केम फॉरवर्ड. सी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन है, ये सब याद रखना. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, दिस आर ऑल सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोमोट फाइनेंशियली भी ऑल्सो, और उनका डेवलपमेंट के लिए ये सब एंटरप्राइज है.
Next, the government of India has set up separate ministry of micro, small and medium. Micro मतलब small से भी छोटा, थोड़ा उससे बड़ा, medium. ये साइड दी हुई है, उस पर इफेक्टिव प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस कैसा करेंगे उसके ऊपर सेपरेट मिनिस्ट्री है, गवर्न करती है कि उसमें रूल्स रेगुलेशन क्या फॉलो करना चाहिए वो सब है. नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ इट्स प्लान्स एंड पॉलिसी टू लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री, इट हैज लोअर्ड द इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम 3 crore टू 1 crore. मतलब उनके बेनिफिट के लिए प्लान्स और पॉलिसी इतने लार्ज नंबर में है इंडस्ट्री के लिए कि वो लोग कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. 1 crore, 3 crore से लिमिट उन्होंने कम कर दी, 1 crore से भी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी तब. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैपिटल सब्सिडी ऑफ 12% फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी. अगर वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो 12% उनको सब्सिडी मिलती है इन्वेस्टमेंट में. नेक्स्ट, टू एनकरेज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट द गवर्नमेंट ग्रांट्स 75,000 टू ईच यूनिट दैट ऑब्टेन ISO 9000 सर्टिफिकेशन. बहुत से प्रोडक्ट्स रहते हैं जो ISO सर्टिफाइड रहते हैं, वो जब ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है या डील कर रहा है उसमें, तो गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है 75,000 टू एनकरेज, ताकि वो क्वालिटी और अच्छी बने उसकी. नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड फाइनेंस डिजाइन एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू हैंडलूम सेक्टर. देखो क्या लॉन्च किया, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, ये योजना है हैंडलूम के लिए, हैंडलूम सेक्टर के लिए. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड अप टू 24% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स. इट हैज परमिटेड दैट 24% टोटल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं स्मॉल यूनिट्स में भी बाय अदर यूनिट्स कंपेयर करें तो. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लैंड, पावर एंड वाटर एक्सेट्रा एट कंसेशनल रेट्स. इवन यहाँ भी उनको कंसेशन मिलता है, लैंड, पावर जो भी यूज होता है उनकी बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में, वहां भी उनको कंसेशनल रेट्स मिलता है. स्पेशल इंसेंटिव्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया. अगर वो चाहता है कि मेरा स्मॉल बिजनेस जो है रूरल एरिया में रहे या बैकवर्ड एरिया में रहे, तो वहां भी उनको इंसेंटिव्स मिलता है कि वो इजीली अपना सेटअप कर सके स्मॉल बिजनेस. लास्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट एनकरेजेस टू एस्टैब्लिश स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग डेवलप्ड लैंड एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स. अब वो क्या करता है, गवर्नमेंट खुद ही लीज में जो रहता है वो बहुत ही कम दाम में, मिनिमम रेंटल रहेगा या मिनिमम उसका सेल प्राइस रहेगा, ऐसे डेवलप्ड लैंड और इंडस्ट्रियल एस्टेट दे देता है ताकि वो खुद अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल बिजनेस बना सके. नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. अभी इंस्टीट्यूशन, ये तो गवर्नमेंट का सपोर्ट था, दूसरी इंस्टीट्यूशन का क्या सपोर्ट है स्मॉल बिजनेस के लिए. सी, दिस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC वॉज सेटअप इन द ईयर 1955 टू प्रमोट. किस लिए वो सेटअप हुआ था, टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. देखो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल सर्विसेज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इट प्रोवाइड्स मशीनरी रहता है, हायर परचेज स्कीम्स और लीज बेसिस पे वो उसको प्रोवाइड करता है लैंड ऑल्सो. इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. बाहर जाते हैं प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, तो ऐसा करके डेवलपमेंट होता है इवन इन टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. दिस इज टू सेटअप इन द वेरियस स्टेट्स, हर एक स्टेट के लिए है वो, टू कैटर द नीड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ टाइनी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. देयर मेन फंक्शन, उनका मेन फंक्शन क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर्स रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल पहुंचाएंगे, सप्लाई करेंगे, मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस रेंट पे दे सकते हैं वो या लीज पे,
एंड प्रोवाइडिंग मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. मार्केटिंग में भी उनका प्रमोशन भी करने के लिए वो आगे आते हैं कि ऐसी स्मॉल स्केल बिजनेस है, इसको ले सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इट वॉज सेटअप इन 1982 एज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन. क्या करता है ये? फाइनेंस देता है, पैसा देता है, लोन देता है टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स को. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स टू एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, स्मॉल स्केल है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है विलेज में, हैंडीक्राफ्ट है और उसके अलाइड, उसके जैसी जो भी एक्टिविटीज रूरल एरिया में होती है उनको वो पैसा देते हैं, फाइनेंस देते हैं. नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट वॉज सेटअप इन 1990 एज ए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. इट एक्ट्स एज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल बैंक्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. दिस इज ऑल्सो मेड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अवर कंट्री. स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूशन, ये क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, प्रोवाइड कंसल्टेंसी, टेक्निकल सपोर्ट जो लगता है सर्विस वो ये प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ताकि अवेयरनेस हो. नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी ये सेटअप होते हैं. दे कंडक्ट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे. अभी ये क्या करते हैं? रिसर्च भी थोड़ा करते हैं, सर्वे करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल है, लोकल रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, तो वो फंक्शन अच्छे से करे. तो कीपिंग इन व्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर मेन फंक्शन इज टू इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम्स फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. This all we have learned till now about the various other institutions which support the small business. So this. नेक्स्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एडवांटेज ऑफ स्मॉल बिजनेस, प्रेफरेंस ओवर वेज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वी हैव लर्न, स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, ये सब पढ़ा था ना. ये चैप्टर एंड हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आपको पता चलेगा कब है. ओके, ये रैयान भी है सर, रैयान कोई है ये? ये ब्लॉक हो गया था क्या कॉन्टेक्ट? मुझसे तो नहीं हुआ ना, इधर लिखा हुआ है व्हाट्सएप में. मैं ब्लॉक किया था, पूरे दिन सवाल करते रहते हैं. मुझे लगा मैं ऐसे होगा, मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया था. मैं रोज उसको मैसेज भेजते हूँ, मैं उसको अनब्लॉक करता हूँ, मैसेज भेजते हो जाएगा तो कुछ भी कब आएगा, आईडी कब, एक बार बोल के हो गया तो उसको मालूम है, उसको ब्लॉक करता हूँ. अच्छा, सुधरने का नाम नहीं है, क्या करें, हमें काम नहीं है. कभी भी संडे को मैसेज करेगा, फोन करेगा और कुछ भी पूछेगा. मैं उसको बोला तुमने आज तक कोई डाउट पूछा क्या मेरे को 4 महीने में? डाउट तो कुछ पूछता नहीं है, बस आईडी पासवर्ड कब मिलेगा. तेरे को क्या करेगा आईडी पासवर्ड? स्कूल तुम लोग को आईडी पासवर्ड देता है स्कूल जाते हो तो? नहीं, मुझे बता आधार कार्ड से देखा, आधार कार्ड से है ही नहीं,
एडमिशन टेंथ में, तो अदर कोर्सेज कहाँ से आएंगे? तो टेंथ वाला भी है वो? नहीं नहीं, मतलब ट्वेल्थ है। अच्छा हाँ, समझो तेरा कोर्सेज ट्वेल्थ का है, जो टेकन एडमिशन जो ट्वेल्थ स्टार्ट है। सो व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू विद अदर कोर्सेज? आप बारहवीं का फॉर्म भरोगे तो आपको गवर्नमेंट क्या अदर कोर्सेज का भी डिटेल देंगे? कुछ मैच नहीं।